बोकारो जिले चास प्रखंड में उपस्थित सभी भाई बहनों से मैं एक आग्रह करने के लिए आप लोगों के बीच आई हूँ। और मेरा भी मायका यही बोकारो जिला की हूँ, तो आप लोगों की बेटी, आप लोगों की बहन आज आप लोगों के पास आई है एक विनती, एक निवेदन लेके। और सबसे बड़ी बात कि मेरा हक भी बनता है कि मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से जो मेरा हक है, उस हक के लिए मैं आई हूँ आप लोगों के पास कि मुझे अपने अभिभावक से, अपने भाइयों से जो मुझे चाहिए वो मिलेगा ही, क्योंकि मायके से कोई खाली हाथ जाता नहीं है। इसलिए मैं सबको एक बार हाथ जोड़ के सबसे आग्रह करना चाहूंगी कि आज जो धनबाद लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आपका बेटा, आपका भाई प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो दायित्व उनको दिया गया है, उसमें आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दें, ताकि हमारे धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी, आपके भाई, आपके बेटे की एक प्रचंड बहुमत से जीत हो। और हमारे जो बोकारो जिला की मैं बेटी हूँ, तो हमारा बोकारो जिला नंबर वन में रहे वोटिंग में, ये मैं पूरे आशा विश्वास रखती हूँ कि मेरे सभी भाइयों, मेरे सभी अभिभावक मुझे आशीर्वाद देंगे। और यहाँ जो प्रचंड बहुमत से आप लोग अपने भाई, अपने बेटे को जो आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद हम लोग के लिए एक बहुमत साबित होगा। जो हमारे बोकारो क्षेत्र की समस्या है, जो आप लोगों की आवाज है, तो आप लोगों की आवाज, आप लोगों की समस्या को आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे, मोदी जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे देश के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। और हमारे धनबाद के लोकसभा के प्रत्याशी, आपके भाई, आपके बेटे के हाथों को मजबूत करना है। और इसके लिए आप लोग सभी से मैं यही आग्रह करने के लिए आई हूँ कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही के रूप में आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी सभी क्षेत्र में सभी माता बहन से सबको प्रेरित कीजिए। और 25 मई को जो हमारे धनबाद लोकसभा का चुनाव है, उस 25 मई को सभी माता बहन, सभी भाई बहनों से आग्रह करके सबसे पहले मतदान करवाने का कष्ट करें, ये मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के पास आग्रह करने के लिए आई हूँ, आप लोगों से विनती करने के लिए आई हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो सबसे पहले वो महिला सम्मान के बारे सोचते हैं, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे यशस्वी, ऐसे अद्भुत प्रधानमंत्री हम सभी को मिले हैं। तो हम लोग भी मोदी जी को फिर से 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। और इस बार जो मोदी जी का नारा है, इस बार 400 पार, और इस बार हमारा धनबाद की लोकसभा इस बार 10 लाख पार होगा, ये मैं आप लोगों से पूरा विश्वास रखती हूँ। मुझे कि इस बार हमारे धनबाद लोकसभा एक रिकॉर्ड मत से जीतेगी, जो पूरे हम लोग का जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बनेगा कि ये धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी हैं कौन, और इतने प्रचंड बहुमत से जीतने
प्रचंड बहुमत से जिताए, ताकि आपके भाई, आपके बेटे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे और हमारे इस क्षेत्र की एक एक समस्या को मोदी जी से अवगत कराएं, ताकि मोदी जी भी जान सके कि यहाँ सब कुछ रहते हुए भी यहाँ के युवा कितने पीछे हैं। यहाँ पे जो पानी की समस्या होती है, अभी जो बिजली की भी बहुत समस्या होने लगी है। हम लोग तो बचपन से रहे हैं, पहले इस तरह की समस्या नहीं होती थी बिजली का, लेकिन अब जो बोकारो में बिजली की समस्या है वो हम लोग देख रहे हैं। पानी की भी वैसे ही दिक्कत आती है। तो ये सब समस्या हम सभी को मिलकर मोदी जी तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो मोदी जी जब इस हमारे क्षेत्र के समस्या के बारे में जागरूक होंगे तो जरूर यहाँ का समस्या का निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ में आपके भाई, आपके बेटे तीन बार से बागमारा के विधायक रहते हुए भी वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम बागमारा से विधायक हैं। बागमारा के विधायक रहते हुए अगर कोई भी किसी भी विधानसभा से कोई अगर पहुंचे कोई समस्या लेके, तो वो हमेशा उस समस्या का निदान करने का भरपूर कोशिश किए हैं। आज उसी का परिणाम है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ उनको इतना मिल रहा है। वो हमेशा जनता के बीच में रहने वाले में से हैं। वो 24 घंटा गरीब शोषित दलित लोगों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, हर गरीब का हक दिलाने के काम करते हैं। और कहीं गरीब के हक दिलाने में अगर उनको कोई केस भी होता है तो वो पीछे नहीं हटते हैं, यहाँ तक कि उनको जेल भी जाना पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे आपके भाई, आपके बेटे को इस बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो दायित्व दिया गया है, इस दायित्व में आप लोग अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देके उनको विजय करें। मुझे आप लोगों से यही विनती, यही आग्रह करने के लिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। और अपनी बहन, अपनी बेटी का भी लाज रखें आप लोग, ताकि हम लोग भी बोल सकें कि मेरे मायके से जो वोट आया है वो बहुत प्रचंड बहुमत आया है, ताकि उसमें आप लोगों के साथ मैं भी कोई समस्या हो तो आप लोगों के साथ खड़ी होकर विधायक जी से लड़ के यहाँ का हक दिलाने का काम कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि आपके भाई, आपके बेटे का 30 तारीख को जो नॉमिनेशन है उसमें आप लोग हमारे धनबाद डीसी कार्यालय पहुँचे और अपना शक्ति का परिचय दें। और विधायक जी को, हमारे धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी आपके भाई, आपके बेटे को शक्ति प्रदान करें और एक मजबूती प्रदान करें, ताकि उसी दिन जो विरोधी लोग उनके बारे में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं वो लोग का मुंह चुप हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को फिर से एक बार निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने भाई, अपने बेटे को भरपूर आशीर्वाद दीजिए, ताकि आपके भाई, आपके बेटे आपकी समस्या, आपकी आवाज़ को बुलंद कर सके और हमारे इस क्षेत्र की एक एक समस्या दूर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन धीरे धीरे एक खास दिन की ओर बढ़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ एक संकल्प लेने के लिए एकत्रित हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे जुझारू नौजवान युवा उम्मीदवार को आपके समक्ष उतारा है, जिन्होंने लगभग पूर्व 15 वर्षों से बागमारा में विधायक के रूप में अपनी सेवा दी है और 15 वर्षों का उनका सफलतम कार्यकाल आप लोगों के समक्ष एक प्रेरणा के रूप में है कि कितनी दहाड़ के साथ, कितनी गर्जना के साथ वंचितों, शोषितों और पीड़ितों की वो आवाज उठाते हैं। और हमारे सामने दो महत्वपूर्ण लक्ष्य है भाइयों। एक, देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व की शक्ति बनाने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को विश्व पटल पर कायम करने के लिए जिस दृढ़ता से लगे हुए हैं, उनके उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया है, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। तो इस
को पूरा करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चरमतम सीमा तक पहुंचाने के लिए, उस लक्ष्य को साधने के लिए हमारे पास एक दूसरा लक्ष्य भी ये है कि धनबाद लोकसभा से हमें हमारे जुझारू नौजवानों के लिए, संघर्ष करने वाले किसानों और पीड़ितों के लिए आवाज उठाने वाले अपने प्रत्याशी श्री गुनु महतो जी को अधिक से अधिक वोटों के अंतर से जिताने का यह संकल्प लेने के लिए आज हम एकत्रित है। हजार तरह की बातें हमारे बीच में आ रही हैं, लेकिन हमें बहुत सारी बातों से विचलित नहीं होना है। यह युद्ध महाभारत का युद्ध है और हमें हमारे ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है कि जब लक्ष्य साधना हो उस समय ना हमें वृक्ष देखना है, ना हमें पत्ती को देखना है, केवल और केवल उसके ऊपर जो चीनियां है उसको भी नहीं देखना है। हमारा लक्ष्य मात्र एक है कि हमारा सीधा जो तीर निकलेगा वो चिड़िया की आंख में जाके अपना निशाना जो है वो पूरा करेगा। ठीक इसी तरह धनबाद से जो हमने नारा दिया है कि यहाँ से 2 लाख वोट हमारे प्रत्याशी को मिलेंगे, यह संकल्प उससे ऊपर जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा और लगातार इस तरह से बटन दबेगा कि हर जगह से कमल ही कमल निकलेगा। और मुझे लगता है कि इसके लिए हम सभी तैयार हैं, एक जोरदार नारा लगाएंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, उपस्थित है। हम उनका संबोधन सुनेंगे और साथ ही साथ आप सबों की तरफ से एक विशेष दिन भी है, आज आज उनकी शादी की वर्षगांठ है। हम सभी की ओर से आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खूब खूब मंगल कामना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, भारत माता की जय। भाभी जी, सावित्री भाभी जी को बहुत बहुत शादी की वर्षगांठ की शुभकामनाएं और आपका ये साल और भी आगे मंगलमय बनकर आए। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, हमारी बहनें, सबको आगे जो भी